क्रिप्टो करेंसी यूट्यूब चैनल ट्रेड फॉर प्रॉफिट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त निजाम, एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूं। बिटकॉइन की प्राइस के अपडेट की बात करेंगे, डेली क्या हो सकते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस, छोटे टाइम फ्रेम पर आज बिटकॉइन को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे और आपको कुछ सीखने में भी मदद मिलेगी। तो चलो दोस्तों वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों हम आ गए BTC के चार्ट पर और यहाँ पर ये 15 मिनट का चार्ट है, 15 मिनट्स का चार्ट है। छोटे टाइम फ्रेम पर आज BTC को एनालाइज करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि BTC के प्राइस में क्या हो सकता है। ठीक है, तो वीडियो बने रहना, ध्यान से देखना। जो पहली बार देख रहे हैं वीडियो को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। तो चलो दोस्तों वीडियो को करते हैं, यहाँ पर कुछ लेवल्स लगाते हैं, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि मार्केट का सिनेरियो क्या हो सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि प्राइस में कल हमें एक ज़बरदस्त राइज देखने को मिला था और अच्छा खासा मूवमेंट हुआ था। लगभग $5,000 मार्केट ऊपर भाग गई थी और पिछले अभी सिनेरियो में ऐसा हुआ था कि अभी कुछ दिन पहले कि लगभग 10,000 पॉइंट की गिरावट हुई थी, यानी $10,000 की गिरावट हुई थी। अभी यहाँ पर दोस्तों आज के दिन क्या हो सकता है, कैसे हमें ट्रेड करना है, इस पर बात करेंगे। तो जो लोग नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करेंगे, उम्मीद है मुझे पूरी। और जो लोग वीडियोस को हमारे देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, उनसे रिक्वेस्ट है मेरे भाई सब्सक्राइब कर लो, काफ़ी काम का कंटेंट अब तक पहुंचाता हूं, वो भी ऑनेस्ट। तो यहां पर लेवल्स लगाते हैं और जल्दी से आपको लेवल्स बता देते हैं। ये देखो डेली लेवल्स हैं यहां पर, ये अच्छे से समझ लो कि 15 मिनट का चार्ट मतलब होता है कि डेली ट्रेडिंग के जो लेवल होते हैं उसका। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो प्राइस आपको एक पैटर्न के अंदर दिखाई पड़ रहा है, एक राइजिंग चैनल बोल सकते हैं इसको, टॉप पर जाकर बना है। ठीक है, तो ये राइजिंग चैनल अगर ऊपर ब्रेक करेगा तो ऊपर प्राइस जाएगा, नीचे ब्रेक कर गया तो प्राइस नीचे जाएगा। नीचे के सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होंगे, ऊपर के सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होंगे, इस पर बात करेंगे। काफ़ी लोग देखो यहाँ पर कल मैंने वीडियोस के कमेंट में, हालांकि हमेशा आप पॉजिटिव कमेंट्स ही मुझको देते हो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन कुछ कमेंट्स मैंने ऐसे देखे थे जिसको देखकर मुझे थोड़ा सा दुख हुआ इस बात का कि उन्होंने मुझसे ये कहा कि सर आप दोनों तरफ की बात करते हो, आप एक तरफ की बात क्यों नहीं करते हो। तो मेरे भाई जब ट्रेडिंग सीख लोगे, यहाँ पर मैं इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि जिस दिन ट्रेडिंग आपने सीख ली, सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्लॉट करना सीख लिया, प्राइस एक्शन को समझना सीख लिया, उसके बाद आप ये सवाल करना भूल जाओगे, क्योंकि बाद में तो फिर आप भी यही कहोगे कि ये लेवल ब्रेक हुआ तो ऊपर और ये लेवल ब्रेक हुआ तो नीचे। तो ये मेरे भाई किसी को ये बोलना कि आप दो तरीके की बात करते हो तो ये गलत बात है, मुझे अच्छी नहीं लगी, बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। लेकिन ट्रेडिंग सीखो, बहुत जल्द इस सवाल का जवाब हो सकता है मेरा जवाब आपको समझ में ना आए, लेकिन जब आप ट्रेडिंग सीख लोगे तो ये जवाब आपको खुद ब खुद मिल जाएगा कि मैंने क्या बताता था। अब यहाँ पर देखो प्राइस एक राइजिंग चैनल के अंदर है। ठीक है, अब इस राइजिंग चैनल की ताकत क्या होती है मैं ये भी दिखा देता हूँ। अगर ये ऊपर ब्रेक करता है तो ऊपर के साइड प्राइस जाता है, नीचे ब्रेक करता है तो नीचे के साइड भी प्राइस जाता है। देखो यहाँ पर लेवल तो मैं बता ही दूंगा और यहाँ पर मैं एक चैनल को प्लॉट कर रहा हूँ आपके सामने। देखो मैंने एक चैनल को प्लॉट किया, कल के दिन ये चैनल बना था, प्राइस के अंदर रिएक्ट कर रहा था। हालांकि कल मैंने, मुझे ये लगा था कि चैनल नीचे की तरफ ब्रेक करेगा, लेकिन जब चैनल में प्राइस हो तो बड़ा बड़ा जो बड़े से बड़ा क्या कहते हैं एनालिसिस करने वाला, वो भी नहीं बता सकता कि प्राइस किस ओर जाएगा। यहाँ पर प्राइस इसका उल्टा हुआ, प्राइस चला गया ऊपर और ऊपर जाके फिर एक चैनल के अंदर फंस गया। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें कल के दिन के जैसा सोचना है कि प्राइस जिधर ब्रेक करेगा उधर के साइड हम जाएंगे। ठीक है, सुबह से देखो प्राइस इसी के अंदर रिएक्ट कर रहा है, इसीलिए मैंने आज सुबह के वक्त भी वीडियो नहीं डाला, हालांकि बिज़ी शेड्यूल था दोस्तों मेरा और अभी भी मैं काफ़ी बिज़ी हूं और मैंने वक्त निकाल कर ये वीडियो बनाने की कोशिश की है। बहुत ही शॉर्ट सा वीडियो है, देख लेना, मोटी मोटी चीज़ें यहाँ पर बताई हैं। तो यहाँ पर अगर दोस्तों ये देखो, ये चैनल अगर ब्रेक होता है यहाँ से तो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है जिसका कि लेवल है 47,500। ठीक है, अगर इसको प्राइस ब्रेक करके आता है तो फिर इस लेवल पर आ सकता है 46,600, 45,800 और 45,200। ये नीचे के लेवल होंगे, अगर प्राइस ब्रेक करता है तो इस तरह से नीचे आ सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर दोस्तों, हालांकि यहाँ पर इतना ये नीचे की अगर तीन लेवल दिखा भी दिए तो प्राइस जब भी बेरिश नहीं बोला जाएगा, प्राइस जब भी बुलिश ही मेरे हिसाब से रहेगा आज के दिन। अभी फ़िलहाल यहाँ पर देखो, जब तक इस चैनल के बाहर आने का मैं वेट करना, अब ये चैनल आज के दिन ब्रेक हो, कल के दिन ब्रेक हो, कभी कभी ये चैनल तीन तीन चार चार दिन बने रहते हैं उसके बाद ब्रेक करते हैं, लेकिन जब भी करते हैं सॉलिड जल देते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कि चैनल के अंदर है, लोअर बॉटम पर है प्राइस, यहाँ पर देखो एक रेजिस्टेंस एरिया है 47,900 और प्राइस अभी लगभग चल रहा है 47,700 के आसपास।
तो अगर हम इस एरिया को ब्रेक कर जाते हैं, उस चैनल के अंदर रहते हैं, तो पहला लेवल होगा 48,500 और दूसरा लेवल होगा दोस्तों 49,100, जो कि ये चैनल का ऊपरी बैंड भी होगा, ऊपरी ट्रेंड लाइन भी होगी। तो ये हैं आज के दिन के ऊपर के और नीचे के लेवल। जिसको बोलना है दोस्तों, उनका अपना आउटलुक है, बोल सकता है कि मैं दोनों तरफ की बात कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर जब तक के प्राइस चैनल के बाहर नहीं आएगा, जब तक के यहाँ पर किसी और भी मूवमेंट नहीं करेगा, इसी कंडीशन को दोस्तों बोला जाता है साइडवेज। ठीक है कि प्राइस ने एक स्पाइक दिखाया, एक ट्रेंड में आया, प्राइस ऊपर गया और एक चैनल के अंदर फंस गया। इसी तरीके से अगर आप पीछे के थोड़ा सा सिनेरियो देखना चाहोगे तो पीछे का भी देख सकते हो, खुद से चेक कर लेना तो अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखो, मेरे हिसाब से प्राइस लगभग यहाँ पर भी एक चैनल में था। अगर हम इस तरह से इसको प्लॉट करेंगे तो देखो खूबसूरत नज़ारा है काफ़ी। ये प्राइस एक्शन जो होता है ना, बहुत काम की चीज़ होता है। इंडिकेटर छोड़ दो, प्राइस एक्शन वर्क करो। देखो, इसने ब्रेक किया, ऊपर जाकर रिटेस्ट किया और इस तरह से मार्केट नीचे, यहीं पे तो सपोर्ट रेजिस्टेंस निकलते चले जाते हैं ना मेरे भाई। तो इसीलिए बोला जाता है कि जब भी मैं अपडेट करता हूँ, प्राइस को पैटर्न में फंसा होता, तभी मैं बोलता हूँ कि ऊपर ब्रेक हुआ तो ऊपर, नीचे ब्रेक हुआ तो नीचे। तो उसमें मेरे भाई आप समझो, ट्रेडिंग की नॉलेज सीखो, सब कुछ समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सिखाने के लिए बैठा हूँ यहाँ पर। अब मुझको इजाज़त दो, नेक्स्ट अपडेट मिलता हूँ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।